पेहोवा के गांव सारसा का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर रविवार को गांव में एक महापंचायत का आयोजन किया गया। 50 गांवों के लोग हुए एकत्रित। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस का दावा है कि बच्चों की हत्या में पिता सोनू का रोल नहीं है, लेकिन पुलिस ने अभी तक सोनू को क्लीन चिट भी नहीं दी है और पुलिस सोनू का पोलियोग्राफी टेस्ट करवाने के लिए कोर्ट में अर्जी भी दे चुकी है। उधर परिजन, रिश्तेदार व ग्रामीणों का आरोप है कि बच्चों की हत्या पिता सोनू के इशारों पर हुई है और किसी साजिश के तहत की गई है। अकेले जगदीप बच्चों की हत्या नहीं कर सकता। पंचायत से पहले तीनों बच्चों को श्रद्धांजलि दी गई। इनेलो विधायक जसविंद्र संधू, पूर्व मंत्री हरमोहिंदर चट्ठा, डॉक्टर संतोष दहिया सहित सैकड़ों लोगों ने श्रद्धांजलि दी। ग्रामीणों का कहना है कि इस मामले में सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। इस मामले में संलिप्त सभी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सीबीआई जांच की मांग को लेकर ग्रामीण 7 दिसंबर को सीएम से मुलाकात करेंगे। बाकायदा इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी इस मामले में ग्रामीणों की अगुवाई करेगी। यदि इसके बावजूद भी सीबीआई जांच नहीं करवाई गई तो मां सुमन की ओर से हाईकोर्ट में गुहार लगाएंगे। पेहोवा से कुमार शेखर, आजाद टीवी। मेरा नाम गुरनाम मलिक है, मैं चेयरमैन हूँ मार्केट कमेटी पेहोवा से। आज जो तीनों बच्चे की निर्मम हत्या हुई है उनकी आज रस्म क्रिया थी और उसके बाद एक पंचायत का भी विरोध किया गया है, जिसमें गांव वाले ने और पूरी पंचायत ने तय किया है कि जो सोनू को पुलिस इस केस से बाहर निकाल रही है उसमें पूरी पंचायत का, पूरे गांव वालों का शक है कि भी वो उसमें शामिल है और पुलिस इसको बाहर कर रही है, तो इसलिए इसकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और इस संबंध में सीएम साहब से मिलने की बात हुई है, मेरी मंत्री जी से बात हुई है, कृष्ण बेदी जी से। उन्होंने कहा है कि 6 तारीख को सीएम साहब से समय लेकर जो कमेटी यहाँ बनी है उसको मिलने का अवसर मिलेगा और वहाँ जो सारी कमेटी है वो इस बात की डिमांड रखेगी कि इस केस की सीबीआई जांच हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो। क्लियर नहीं होया जी, नहीं क्लियर नहीं होया उसकी तरफ। तो क्या पुलिस इस मामले में फिर अभी तक कुछ प्रोसेस नहीं आगे आया जी? नहीं, हो तो कहते हैं मन पूरा कर लिया जो करना है। तो अभी आपकी क्या मांग है जिस पूरे मामले में? कड़ी सजा मिलो बस। नहीं, जो ये सीबीआई नहीं, हाँ जी, तो ये जान लो उसके बारे में वो मैं हो सके। तो और भी कोई लोग लगते हैं आपको इस पूरे मामले में? तीन कौन कौन है जी, आप बताएंगे एक बार? जगदीप, सोनू, रीना। न्याय नहीं मिल रहा सबने, सारे जिस बहुत दूर दूर के लोग आए हैं इसमें और आगे जे नहीं इनका कुछ लिख दिया तो हम सीएम तक मिलेंगे। फिर भी तो 6-7 तारीख ना, 6-7 तारीख को। तो क्या मांग करना चाहते हैं आप सीएम? सीबीआई जांच करवाएंगे इसकी, एसपी तक दोषी नहीं मान रहे। क्या कह रही पुलिस? पुलिस कह रही है कि तो सोनू नहीं है इसमें, कल्ले है यू। पहले पीटने से पहला सारी बात मानना था, वो पीटने के बाद मुकर गया, उठने के बाद तो और भी ज्यादा बात माननी चाहिए थी उन्हें। पंचायत में कहाँ कहाँ के लोग आए? कम से कम 50 गांव के लोग आए हैं। आसपास के कौन कौन से गांव के हैं? तो गुंथड़ा के, मैसी माजरा, परवल के, खिदरपरा, गुणे के, डांड के, हकीमपरा, सभी थे, मुस्ताफर, रुआ बटेड़ी, सब थे। ठीक है।